हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमने एक पार्सल रिसीव किया है फ्लिपकार्ट से, ऑर्डर। एक्चुअल में ये सेल्फी स्टिक है, हमने ऑर्डर किया था क्योंकि ये जब हम इसे हाथ से रिकॉर्ड करते हैं तो उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं होता, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हम सेल्फी स्टिक ले लें और वीडियो भी बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। अभी हम जा रहे हैं घाट को, पर तो हम घर से बाहर निकल चुके हैं और ये मम्मी और पीयू भी साथ में जा रहे हैं आज हमारे साथ, बेबी पीयू भी जाएगी। तो चलिए फटाक से ऑटो लेते हैं और पहुंचते हैं, बहुत धूप हो रही है अभी यहाँ पे। तो फाइनली हम लोग उस दुकान पे पहुंच चुके जहाँ से मैंने ये जैकेट लिया था। पहले ही मैंने इसको ख़रीदा था लेकिन एक साइज बड़ा था तो इसको हम लोग को रिटर्न करना पड़ा। वैसे ये जो दुकान है घाटकोपर में, मिलन शॉपिंग सेंटर है, वहाँ पे है, ऑरेंज कलेक्शन नाम है दुकान का। दुकान वाले भैया जो है बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने बिना ही एक्सक्यूजेस के तुरंत उन्होंने रिटर्न कर लिया। अगर आपको जो है वेस्टर्न ड्रेस ख़रीदना है, पैंट शर्ट, तो आप इनके कलेक्शन से ले सकते हो, बहुत ही अच्छी दुकान है। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा मेकअप का सामान लेना था, इसके लिए हम लोग दूसरे शॉप पे गए जिसका नाम है पेरिस ब्यूटी। वो भी जो है मिलन शॉपिंग सेंटर के ही अंदर है। ये दुकानदार जो भैया हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और इनका रेट भी रिजनेबल रेट है, जैसा आपको सब जगह पे मिलेगा उससे रिजनेबल है। आप यहाँ पे जाके अपने मेकअप के सारे प्रोडक्ट ले सकते हो, सारे प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है और दुकानदार वाले भैया भी बहुत अच्छे हैं। तो हम लोगों ने मार्केट में पूरा दिन घूमा, खूब इंजॉय किए, शॉपिंग भी ढेर सारा किया, मेकअप का सामान है, कपड़ा है, ये सब वगैरह लिए, चादर भी लिया। सॉरी, मैंने वहाँ पे रिकॉर्डिंग भूल गई थी मैं करने के लिए। यहाँ पे जो है मेकअप का सामान और रेडीमेड कपड़े के लिए बेस्ट मार्केट है। यहाँ पे सस्ते से सस्ता आपको कपड़े और मेकअप भी मिल जाएंगे और महंगे से महंगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी चलते हैं घर पे क्योंकि हम लोग बहुत ही थक चुके हैं और शॉपिंग भी लगभग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। आ जाओ बच्चा। तो गाइस, फाइनली हमारी शॉपिंग हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं घर पे। अब बेबी पीयू एकदम थक गई है, एकदम ज़्यादा। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर पे, बस थोड़ी सी धूप में।
चलिए अब से मिलते हैं घर पे। हम पहुंच गए। जब हम घर पहुंच चुके हैं और हम कर रहे हैं छोटी सी समोसा पार्टी। बेबी बहुत भूखी है और थक भी गई है। तो फ्रेंड्स अब हम वापस आ चुके हैं शॉपिंग करके। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या लिया था। सबसे पहले हमने ये लॉकेट लिया था, ये मैं अपनी फ्रेंड को गिफ्ट में दूंगी तो ये उसके लिए। और फिर हमने बेबी पीयू के लिए शॉर्ट्स लिए थे, ये वाले। और फिर इसके बाद हमने रानी दीदी के लिए डेनिम जैकेट लिया था, कुछ ऐसा। फिर उसके बाद हमने मम्मा के लिए एलोवेरा फेस मास्क लिया था। और फिर हमने कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स लिए थे अपने स्लैंग चैनल के लिए, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने ये लिया था, सब्सक्राइब भी कर देना। दीदी की जुल्फे बाहर आ गई। रानी क्यों हुई गुस्सा? मैं गुस्सा नहीं, मैं बस इतना कह रही हूँ मुझे मत लो। अम्मा वीडियो के टाइटल में लगी ऐसे, रानी दीदी हो गई गुस्सा। मम्मा हाय दैया आप क्या करें, मम्मा मुझे भी लो ना। ये दिखते नहीं इसमें। खोलो। ये होठ वाला लिपस्टिक है आजकल एक से एक फैशन में है। सीधा करो होठ दिखाओ से ई। गाइस वी आर स्कैम्ड। हम लोग थक गए हैं प्लस खाना भी तो बना लेता है। टुटेला लिपस्टिक लिया है, दुकान वाले ने ठग लिया, दिखाया अच्छा और अंदर लिपस्टिक ही नहीं है। चलो चलो बंद करो, इसमें कुछ है नहीं। कवर कितना सुंदर है, इसीलिए तो लिया था। मुझे पहले एक क्रीम लगा था। स्कैम हो गए, ठगा गए, हमें ठग लिया दुकान वाले। दुकान वाले चलता रहता है। फिर हमने ओके ओके डन 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 डंडी का तो देख लो। बड़ा सुंदर है, चलो हटाओ फटाफट। इतने टाइम नहीं है देखने के लिए। पीयू बेबी का क्या कहना है इन प्रोडक्ट्स पे? पीयू बेबी बोल रही है हमको भी ले लो, हम ही हीरोइन हैं। ये तीनों मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने ले लिया। और लास्ट में मेरा सबसे फेवरेट आइटम दिया है। फेवरेट आइटम कोई नहीं, अच्छा मैंने लिप टिंट है ज़्यादा पता है वो भी पर्पल कलर की ग्लिटर के साथ है। रुको मैं लगा के दिखाती हूँ। टिप्पा टिप्पा पर हमें तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों ने, गोरे गोरे सालों ने, ये है हमारी प्यारी प्यारी मम्मा वर्मा। और ये रानू दीदी, हाय। डोंट टेक मी प्लीज। रानी क्यों हो गई नाराज? ओ माय गुडनेस, मैं नाराज नहीं हूँ। मेरा यार हुलिया देखो क्या हो रखा है, लोग मुझे शूट कर रहे हैं पूरा। टेक मी। बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स रात हो गई है, हम लोग घूमने गए थे, अभी हम लोग खाना बनाने जा रहे हैं। और आज खाने में स्पेशल डिश है अंडा की करी। एक्चुअली मैं जब छोटी थी ना तो मेरे पापा बनाते थे और मुझे उनके हाथ का मटन बहुत पसंद है, बहुत अच्छा बनाते हैं वो, एकदम ट्रेडिशनल लुक, जैसे कि गांव में रहते चूल्हे पे बनाते हैं और बड़े से बर्तन रख के और स्लो आँच में रख देते हैं बनाने का। तो वैसा हम लोग अंडा करी बनाने जा रहे हैं और कभी कभी पापा के हाथ का खाना बहुत याद आता है। वैसे मम्मी भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं मेरी, लेकिन
पापा के हाथ की बात ही कुछ और है। तो वैसे ही मेरी बड़ी वाली जो बेटी है वो ट्राई कर रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ हाथ चूसने पापा के खाने का क्या क्या करने वाली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अंडा जो है बॉयल्ड कर लिया है। ये अंडा बॉयल्ड हो गया, अभी हम लोगों ने छीला नहीं है। और इसमें ये जो है प्याज, लहसुन, मिर्चा, अदरक, और ये देखिए कांदे को जो है, प्याज को बारीक बारीक काटते हुए इसको बारीक बारीक काट देंगे। और उसके बाद ये जो लहसुन, अदरक और मिर्चा है उसका पेस्ट बनाएंगे। लहसुन का अलग, मिर्चा, अदरक, धनिया का अलग, और अंडे को हम छील के इसमें चीरा मार के। ये हमारे घर की सेफ है, कुकर, जो कि मैं इसे प्यार से कुकर बुलाती हूँ। खाना बहुत बढ़िया बनाती है, कुछ भी हो खाना इसके हाथ का बहुत टेस्टी होता है, और एक सारे डिशेज बना लेती है। ये है हमारे घर की पड़ाकू। कहाँ गई पड़ाकू? हाय से हाय। और ये है हमारी छुटकी बिटिया, ये खेल रही है। पीहू, हाँ? क्या कर रही हो बेटा? मैं पजल्स लगा रही हूँ। पजल्स लगा रही हो? कौन सा पजल? लेकिन सारे पजल्स तो तुमने उल्टे लगाए हैं। ए बी सी डी सारे उल्टे लिखे हुए हैं, इसमें उल्टा रख दिया है तुमने। चलो कोई बात नहीं है, खेलो। और इनाया देखो, उसकी फ्रेंड भी आई हुई है, ये भी खेल रही है इसके साथ। से हाय इनाया। हाय बोलो। नहीं बोलेगी। से हाय पीहू। Very good. हो गया? हाँ। खेलते हो गया? ये अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक से अंडा दगता नहीं है, तो ऑयल से जलने का रिस्क कम हो जाता है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, इससे अंडे का कलर बहुत बढ़िया आता है और उसमें टेस्ट भी अच्छा आता है। और हल्दी, इसको डाल के हम इसमें लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और फिर इसको कर लेंगे तेल में फ्राई। श्रद्धा, क्या कर रही हो? स्लाइम की वीडियो बना रही हूँ हमारे प्यारे से चैनल के लिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्लाइम वाले, तो उसे भी सब्सक्राइब कर देना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, भूलना नहीं। चैनल का नाम स्क्वाड विद स्लाइम। ओके, बनाओ, देखो कैसे बनाती हो। यू गुड, कीप गोइंग। फ्रेंड्स, हम लोग का स्लाइम का एक अदर चैनल भी है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग यार सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, चलो ठीक है आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक तो कर ही सकते हो। लाइक करने से क्या आपके पैसे थोड़े नहीं जाएंगे? हाँ, हम लोग को भी थोड़ा सा होगा कि हाँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोग देख रहे हो। और जब तक आप लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, तो मालूम नहीं पड़ेगा। तो लाइक आप लोग देख तो लेते हो बट स्किप कर देते हो, या जो है आप लोग उसको लाइक्स नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, मालूम नहीं पड़ता। तो ऐसा फ्रेंड मत करो, क्योंकि मालूम नहीं पड़ता तो ऐसा लगता है कि कोई पसंद नहीं कर रहा है, तो बनाने के मन भी नहीं करता है। अगर आप हमारे वीडियोस को लाइक करोगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, हमें सपोर्ट करोगे, तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा वीडियोस बनाने के लिए। हाँ, और ये हमारा चैनल है जो हम लोगों ने ब्लॉग का नया चैनल किया है ना, ये पुराना चैनल है, 2 साल से ऊपर हो चुका है और नहीं चल रहा था। तो सब लोग को स्टिचिंग की वीडियो उतनी नहीं पसंद आती है, तो दिवाली की छुट्टी चल रही है, तो हम लोगों ने सोचा कि उन्हें थोड़ा सा घूमना टहलना हो जाएगा और आप सबके साथ थोड़ा सा ब्लॉगिंग हो जाएगा, बस इसीलिए कर रहे हैं। तो फ्रेंड जैसा हम लोग थोड़ा सा
इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, अगर आपको इसमें कुछ लगता है कि इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, हम लोग ठीक से बोल नहीं रहे हैं या अच्छा नहीं बना रहे हैं, हम लोग का कंटेंट अच्छा नहीं है, तो आप हम कमेंट भी कर सकते हो, हम लोग उसमें इम्प्रूवमेंट की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं किचन में, देखते हैं बिटिया ने मेरा क्या किया है, बनाना स्टार्ट किया कि नहीं, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। ये देखिए अंडे में कलर अच्छे से आ गया, वाइट अंडा था, तो इसने उसमें मिर्ची और हल्दी पाउडर और नमक डाल के उसको मिक्स कर दिया, जिससे उसका कलर भी आ गया। और ऐसा करने से ना अंडा जो दगता है ना, ज़्यादा छींटे उड़ते हैं तेल के, वो नहीं उड़ेंगे। और आप ना चाकू से उसको जगह जगह पे कट भी मार दो, ये देखिए इसने कट मार दिया है, तो इससे क्या होगा ना कि चीरा मारा हुआ है अंडे में, आप देख सकते हो, इससे जो है अंडा दगेगा नहीं और नमक भी मिक्स है। अभी इसने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है, बट थोड़ा सा जल्दी करो। जल्दी खाना बनाओ, मुझे भूख लग रही है। खाना खाने वाले तैयार हैं, बना के रेडी नहीं हुआ है। सोचो कितनी भूख लगती है, लेकिन ये बच्चे समझते नहीं है। तो अभी खाना बन जाएगा, फिर मैं दिखाती हूँ कि कैसे बना हुआ है, टेस्टी है कि नहीं है, और इसने कैसे बना। मेरे पापा स्टाइल बनाया है क्या, खुद का स्टाइल, ऐसे ही बोल रही है, नाना स्टाइल बनाएंगे हम लोग। और अगर आपको ये इसकी कुकिंग की रेसिपी चाहिए तो कमेंट कर दे, आप बोल। अगर आपको इसकी कुकिंग की रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कि मैंने कैसे बनाया। आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा, मेरे नाना स्टाइल ट्रेडिशनल एग करी वीडियो। नजर आओ तो बीच में ना बोला। बहुत ही टेस्टी बना है, अगर आपको भी जो है ट्राई करना है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी चाहिए। बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। बाय बाय, खत्म। ओह माय गॉड, बाय बाय।